तो ये वो छोटा सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक सेकंड से भी कम टाइम में पूरे कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। तो ये होती है रेस्पबेरी पाई पिको, जिसको हम सर्किट पाइथन इंस्टॉल करके यूएसबी रबर डकी बना सकते हैं। यूएसबी रबर डकी होती है एचआईडी टैग के लिए। एचआईडी टैग होता है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, जो कि रिएक्ट करता है आपके कीबोर्ड और माउस की तरह। तो ये छोटे से डिवाइस को हमने रेस्पबेरी पाई पिको, जिसका नाम है, इसको हमने यूएसबी रबर डकी बना दिया है। एंड इसको पावर देने के लिए मैं ये यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल यूज़ करूँगा, जो मैंने यहाँ पर पिक किया। इसके अंदर मैंने कोड लिख दिया है, जो कि जिस भी पीसी के अंदर चाहेगी, जिसके अंदर कोई विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो और उसके अंदर कोई मर्जी एंटीवायरस हो, सभी एंटीवायरस को बाईपास कर देगी ऐसी छोटी सी चीज़। और आपको ये देखना है कि कितना टाइम में ये उस कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं। यहाँ पर मैं विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ, इसको चाहिए आप विंडोज 11 तक में चला दो, तब भी ये हैक कर सकता है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कादे लिनक्स का, एंड यहाँ पर मैंने नेटकेट, जो अपना रिवर्स शेल है, वो इसको ऑन किया हुआ है। लिसनर अपना मैंने नेटकेट का ऑन किया हुआ है। एंड अभी जो यहाँ पर हमारे पास पीसी है, इसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट, अब देख सकते हो पूरा कंप्यूटर सब कुछ हो गया है, कोई भी एक भी बैकग्राउंड में टास्क रनिंग में नहीं है। एंड मैं जस्ट इसको प्लग करता हूँ एंड देखते हैं। ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये जब मतलब थोड़ी इसकी पावर थोड़ी सी कम है। एंड देखिए, एक सेकंड से भी कम टाइम लगा इसको कुछ प्रोसेस होने में। एंड देखते हैं कि अभी तो कुछ कितने टाइम में हमें इसका एक्सेस मिलने वाला है। इसको आप चाहे निकाल भी सकते हो, चाहे ना भी निकालो। वैसे एक सेकंड होता है, एक सेकंड में थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है उसको होना चाहिए। बस वो प्रोसेस पूरा हो गया तो आप निकाल भी दो। एंड देखिए, चलो इसको हम निकाल भी देते हैं, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम कादे लिनक्स के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो आप, तो इसका हमें जो एक्सेस है हमारी जो मशीन पर है वो मिल चुका है। एंड यहाँ पर देखो, लिखा आ चुका है कनेक्टेड टू। यहाँ पर जो उस मशीन की आईपी है वो यहाँ पर आ चुकी है। मैं यहाँ पर कमांड यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने एलएस कमांड किया कि कौन से इसके अंदर डायरेक्टरी हैं। जैसे अब मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ यहाँ से मैं, एंड यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ, और मैं एलएस करूँ तो कोई भी फ़ायदा फोल्डर नहीं है। आइए इस पर देखते हैं कि कोई फ़ायदा फोल्डर है, सिर्फ ओनली ऐप के आइकन्स हैं। एंड यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कमांड टाइप करूँगा, एंड वहाँ पर आप देखना कि कुछ ना कुछ हलचल होती है नहीं होती है, ध्यान रखना स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ नोटपैड की। एंड देख सकते हो कि यहाँ पर एक न्यू फाइल आ चुकी है, जो कि पहले नहीं थी, जो कि मैंने अभी बनाई है। एंड अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिखा रहा है यू हैव बीन हैक्ड, और ये फाइल पहले नहीं थी। और अगर ये फाइल क्लोज भी होती है तो मैं यहाँ से इसको ओपन भी कर सकता हूँ। देखिए, बिना टच किए पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारे पास है। हम पूरी की पूरी इसकी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, पूरा कंप्यूटर हमारे पास है विद इन एक से भी कम सेकंड के अंदर। तो ये वो छोटा सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक सेकंड से भी कम टाइम में पूरे कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, जिसका नाम है रेस्पबेरी पाई पिको, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए यूएसबी रबर डकी। थैंक यू।